पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुलित्जर पुरस्कार आज संदेह के दायरे में है। कश्मीर में आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति रखने वाले 3 कश्मीरी फोटोग्राफरों को यह पुरस्कार दिया गया है। जिस फोटो पर यह पुरस्कार दिया गया है वह कहीं न कहीं पर भारतीय सेना के मानवाधिकार और देश की प्रतिष्ठा को चोट कर रही है और आतंकवादियों को बढ़ावा देने वाली तस्वीरें हैं। 2 मिसालें ऐसी हैं जो साबित करती हैं कि विदेशों में मिले सम्मानों के बाद हमारे अपनों ने अपनों के बीच पहचान पाई और प्रतिष्ठा भी पाई। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर की ख्याति भारत में भी तभी व्याप्त हुई जब उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। और दूसरे स्वामी विवेकानंद, उन्हें शिकागो धर्म सम्मेलन के बाद स्वदेश में लोगों ने जाना। जम्मू कश्मीर के 3 फोटोग्राफर चन्नी आनंद, मुख्तार खान और यासीन दार को 2020 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया जो आज किसी भी भारतीय के गले से नहीं उतर रहा है। एक प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, ऐसी तस्वीर जो भारत के सुरक्षा बलों का विरोध करते हुए उनकी गाड़ी को लात मारते हुए खींची गई हो, क्या आपको स्वीकार्य होगा? यदि आप सच्चे भारतीय हैं तो इस फोटो पर दिए जाने वाले पुरस्कार पर सवाल जरूर खड़ा करेंगे। पुलित्जर पुरस्कार देने वालों को ये तस्वीरें दिखाई नहीं देगी जो अनंतनाग में शहीद हुए ASI अब्दुल राशिद की बेटी जोहरा की है, जिसके चेहरे पर पिता को खोने की वेदना साफ दिखाई दे रही है। इन्हें ये तस्वीर दिखाई नहीं देगी और शहीद की बिटिया की इस तस्वीर को कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा। इन्हें ये तस्वीर दिखाई नहीं देगी जो बीते दिनों हंदवाड़ा में शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा की बेटी, पत्नी और उनकी माँ की है। ये तस्वीर कर्नल शर्मा की बेटी की है जिसने अपने पिता को खोने के बाद भी गर्व से सैल्यूट किया। ये उनकी पत्नी है जिन्होंने अपने पति को खोया और जिस तिरंगे से उनके पति का शरीर लिपटा था उसे सीने से लगा लिया। ये तस्वीर कर्नल शर्मा के माता की है जिनकी उम्र 80 साल है और बेटे को सैल्यूट कर रही है। इन्हें ये तस्वीर दिखाई नहीं देगी जो इस हमले में शहीद मेजर सूद की पत्नी की है। ये तस्वीरें तो सिर्फ एक सच्चे भारतीय को ही दिखाई देगी और वही इन तस्वीरों की खूबियों को समझ सकेगा। अब हम एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे जो प्रत्येक देशभक्त सच्चे भारतीय को पसंद जरूर आएगी। वैसे कश्मीर में आतंकवादियों को कई तरह की मदद की जा रही है जिसमें आर्थिक और बौद्धिक मदद प्रमुख है। बताया जाता है कि इस तरह के फोटो खींचने वालों को 1.5 से 3 लाख रुपए तक दिए जाते हैं और बकायदा पत्थरबाजों के साथ फोटो सेशन कर फोटो खिंचवाए जाते हैं जिसमें पत्थरबाज मुंह पर कपड़े बांधकर अलग अलग एक्शन में फ़ोटो खिंचवाते नज़र आते हैं। ऐसे कामों के लिए पाकिस्तान और अरब देशों से पैसा इन तक पहुंचता है। पुरस्कार, सम्मान और अवार्ड होते ही विशेष हैं, अगर विदेशों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों तो बात और बड़ी हो जाती है। इन सम्मानों से व्यक्तिगत प्रतिष्ठा तो बढ़ती ही है, देश को भी गर्व होता है। नोबेल, ऑस्कर, मैग्सेसे और पुलित्जर ऐसे ही सम्मान हैं। लेकिन ये सम्मान सच्चे भारतीय को रास नहीं आया क्योंकि इस सम्मान ने हमारे देश की प्रतिष्ठा को गिराने का काम किया है।